मध्य प्रदेश के खरगोन में बच्चों से मजदूरी कराने वाले गिरोह से 50 बच्चों को मुक्त कराया गया। मजदूरी करने वालों में 40 मासूम बालिकाएं और 10 बालक शामिल हैं। सभी बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष है। वही बालक सुधार समिति के ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई। जिले में मासूमों को कम राशि देकर भीषण गर्मी में मेहनत करा रहे गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। चाइल्ड लाइन ने भगवानपुरा बिष्टान थाना क्षेत्र के गांव से 50 बच्चों को खेतों में काम करते अपने कब्जे में लिया है। मात्र 150 रुपये देकर बच्चों से करीब 10 घंटे भीषण गर्मी में काम कराया जा रहा था। मासूमों के अनुसार उन्हें कुछ देर आराम तक नहीं करने देते थे। मासूमों ने बताया कापियों की व्यवस्थाओं के लिए मजदूरी करने आए थे। सभी बच्चों को बाल सुधार गृह में लाए गए। 50 बच्चों में 6 से 14 साल की 40 बच्चियां और 10 बालक हैं। वहीं बाल मजदूरों का रेस्क्यू करने के बाद उन्हें खरगोन स्थित जिला बाल कल्याण समिति के कार्यालय में लाया गया, जहां उनके माता पिता के सामने काउंसलिंग की जा रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। चला टीचर्स ने बेटा 150 रुपए देंगे, आप पेन कॉपी ले लेना बोले। फिर कितने रुपए देते हैं ये? 150। कितने घंटे काम कराते हैं? 7 बजे से लगते हैं तो 4 बजे छुट्टी रहते हैं। और क्या दिक्कत आती है तुमको? परेशानी क्या आती है? बैठने देते नहीं। क्या बोलते हैं वो? नहीं बैठना चाहिए, काम करना है तो। खेत वाला बोलता हाँ। हम जा रहे थे, कभी किताब नहीं थे, अभी छुट्टियाँ हम पढ़ते थे तो छुट्टियाँ में जाते थे मजदूरी। कितने रुपए देता था वो? 150। देता भी? मारपीट वगैरह तो नहीं करता? नहीं। तो पढ़ाई करते हैं आप? कौन से स्कूल में जाते हैं? कहाँ पर जाते हैं? धनकुट जाती हूँ, कस्तूरबा आश्रम में जाते हैं। तो तुमको यूनिफॉर्म कॉपी किताब नहीं दिया जाता? दिया जाता है, लेकिन वो साथी चीज दिया जाता है तो फिर कॉपी बनाते हैं तो पूछती नहीं, तो इसलिए हम तो मदद करते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा कॉपी किताब के लिए कितना समय से जा रहे हो? 3-4 रोज़ हो गए। पापा क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। तो वो नहीं, किताब कॉपी नहीं ला पाते? ला पाते, लेकिन अभी कॉपी किताब लेने के लिए पिकअप चल रहा था, तुम भी चलो करके दे। कितने साल से मजदूरी करने जा रहे हो आप? इसी साल से करा। अच्छा, आप लोग ही करा रहे थे? हाँ। क्यों करा रहे थे, क्या कारण है? पैसा नहीं मिलता। काय का? किताब किताब कॉपी का? हाँ। तो इससे बच्चों से मजदूरी करा के पैसा मिल जाएगा? खाता क्या था? तो आप लोग नहीं करते, माता पिता काम नहीं करते? माता पिता करते हैं। खेत वेत है आपका? है थोड़ा है। भगवानपुरा क्षेत्र के अनकवाड़ी इलाके से पिस्तान पुलिस के माध्यम से चाइल्डलाइन सब सेंटर भगवानपुरा के द्वारा करीब 50 बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जो कि ठेकेदारों के द्वारा बाल मजदूरी के लिए लेके जाए जा रहे थे। उनको वहां से सुरक्षित निकालकर बाल कल्याण समिति प्रस्तुत किया गया और बाल कल्याण समिति के माध्यम से उनको यथास्थिति जो इनकी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार इनको सहयोग किया जाएगा। कुछ बच्चे इसमें निकल के आए हैं जिनको पढ़ाई करना है और किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको हॉस्टल की सुविधा और मंथन सहारा चाइल्डलाइन सब सेंटर के माध्यम से इनको आज पठन सामग्री और जो भी सुविधाएं की आवश्यकता होगी वो निःशुल्क इनको उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 दिन से रेकी की जा रही थी, इसके माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिला बाल विकास और पुलिस बिस्टान भगवानपुरा पुलिस बिस्टान पुलिस और लेबर डिपार्टमेंट इन सभी का सहयोग हमें प्राप्त हुआ, इनके माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन ही किया गया। ये बच्चे भगवानपुरा क्षेत्र के बच्चे हैं जो कि ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न शहरों जगहों पर मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे और इन लोगों को अब भविष्य में मजदूरी ना करनी पड़े इसलिए इनके पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया है और उनको काउंसलिंग की जाएगी और यथासंभव कोशिश की जाएगी कि आगे से ये लोग मजदूरी पर ना जाएं। ये बच्चे एक समझे के गिरोह समझ काम कर रहा है। ये 50 से बच्चे प्राप्त हुए विस्तान के आसपास के क्षेत्रों से और ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और ये बच्चे कम उम्र के हैं, नाबालिग बच्चे हैं और इन लोगों से परिवार वालों द्वारा ही काम करवाया जा रहा है। तो बाल कल्याण समिति बच्चों की काउंसलिंग की है बच्चों की और बच्चों से भी बातचीत करने में पता लगा है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। तो बाल कल्याण समिति इन बच्चों के